हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ऑर्गनाइज लर्निंग चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डी दिल्ली की तरफ से क्लास टेन के लिए एनुअल एनुअल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पेपर दिया गया है तो उसके सेक्शन डी तक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं आज हम उसका सेक्शन ई और ये लास्ट सेक्शन है इसको आज हम डिस्कस करेंगे तो थर्टी सेवन्थ ये जो क्वेश्चंस है ये केस बेस्ड के स्टडी बेस्ड या डेटा बेस्ड क्वेश्चन है और इनमें uh, दो या तीन uh, सब पार्ट्स हैं ठीक है uh, और उनकी इंटरनल चॉइसेस जो हैं सब पार्ट्स की वो दी गई हैं तो जैसे थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन दिया गया है हमें ओरस माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज सच एस सॉइल्स एंड एट्सेट्रा कॉल्ड गैंगी जो और आ, अर्थ से माइन की जाती हैं वो ज़्यादातर उनमें जो है प्रदूषित हो जाती है वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा अमाउंट की इम्प्योरिटीज़ उनके अंदर होती हैं जैसे कि सॉयल सैंड ये सारी जिनको हम गैंग बोलते हैं ठीक है द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द और प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल तो ये इम्प्योरिटीज़ है वो हटा देनी चाहिए उस और में से Uh, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे पहले ये इम्प्योरिटीज सारी रिमूव कर देनी चाहिए तो प्रोसेसेज सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स तो बहुत सारे प्रोसेस और बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्योर मेटल को उनकी ओर में से एक्सट्रैक्ट करने के

ये जो गैंगी होता है इसको और में से रिमूव करने के लिए ये बेस्ड होता है जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है गैंगी और और की उनमें जो फ़र्क होता है उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड तो बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स जो है उस उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय की जाती हैं तो इस केस स्टडी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन है हमारे पास पहला पार्ट है वॉट इज़ मेंट बाय रोस्टिंग रोस्टिंग क्या होती है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास द सल्फ़ाइड और आर कन्वर्टेड इन टू ऑक्साइड्स बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर जो सल्फाइड और होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में उनको हीट करके बहुत ज़्यादा हीट करके एक्सेस एयर की प्रेजेंस में दिस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग और इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वॉट इज़ द प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो ये लो रिएक्टिविटी सीरीज़ के मेटल्स uh, हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने का क्या प्रोसेस होता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज और एक एग्ज़ाम्पल देना है जो एक्स मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो कि एक्टिविटी सीरीज़ में लो होते हैं तो जो लो एक्टिविटी सीरीज़ के मेट, मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर रिड्यूस टू मेटल बाय सिंपली हीटिंग इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनको मेटल में रिड्यूस किया जाता है सिंपली हीट करके इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मान लो ये कॉपर के जो सल्फाइड और हैं इसके साथ जो है ऑक्सीजन uh, uh, जो ऑक्साइड्स हैं वो उसके साथ इसको हीट कर दिया तो इससे सिंपली हीट करके क्या हो सकता है उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है तो टू सी यू टू एस प्लस थ्री ओ टू प्लस हीट किया इसको तो टू सी यू टू ओ प्लस टू एस ओ टू फिर फर्दर हीट किया जब इसको तो टू सी यू टू ओ प्लस सी यू टू एस प्लस इसको जब हीट किया तो कॉपर जो है वो मेटल की फॉर्म में मिल गया प्लस एस ओ टू ठीक है तो इस बी वाले पार्ट का और वाला पार्ट आप चाहो तो ये वाला पार्ट कर सकते हो या फिर ये वाला पार्ट तो इसका जो है ये क्या दिया गया है इन विच फॉर्म डज मेटल्स ऑफ लो एक्टिविटी सीरीज अकर इन दी अर्थ क्रस्ट किस फॉर्म में जो मेटल्स होते हैं लो एक्टिविटी सीरीज के वो अर्थ क्रस्ट में अकर करते हैं एंड वॉट इज़ दी अनदर नेम फॉर एच जी एस एंड और ऑफ मर्क्री और जो ये एच जी एस जो एक मर्करी की और है इसका और दूसरा नाम क्या है तो जो लो एक्टिविटी सीरीज़ वाले मेटल्स हैं दे अकर इन अ फ्री स्टेट वो फ्री स्टेट में अकर करते हैं एग्जाम्पल हो गया गोल्ड जैसे इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा गोल्ड और एच जी एस जो कि मर्क्यूरी का एक और है एच जी एस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिनेबार तो एच जी एस को सिनेबार भी बोला जाता है थर्टी एथ क्वेश्चन क्या दिया गया हमें प्योर ब्रेड पी प्लाट्स विद स्मूथ सीड्स डोमिनट कैरेक्टरिस्टिक वर क्रॉस्ड विद प्योर ब्रेड पी प्लाट्स विद रिंकल्ड सीड्स रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर ब्रेड पी प्लांट्स जिसके स्मूथ सीड्स हैं जो कि उसकी एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्रॉस किए गए प्योर ब्रेड पी प्लांट्स जो रिंकल्ड सीड्स वाले थे उनके साथ और रिंकल्ड सीड उसकी रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दी एफ वन जनरेशन वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड टू गिव राइज टू द एफ टू जनरेशन और जो ये एफ वन जनरेशन है इसको सेल्फ पॉलीनेट किया गया जिससे कि वो एफ टू जनरेशन को राइज जो है खो सके एफ टू जनरेशन तो ए पार्ट क्या पूछा गया व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द एफ वन जनरेशन ऑफ प्लांट्स तो एफ वन जो जनरेशन थी वो सेल्फ पॉलिनेट हुई तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास तो उसमें ऑब्जर्वेशन जो हुई इट वाज ऑब्जर्व दल दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ द एफ वन जनरेशन शो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज स्मूथ सीड्स इन दिस केस इसमें एफ वन जनरेशन में जितनी भी ऑफ स्प्रिंग थी सब ने डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो की यानी कि स्मूथ सीड्स जो है वो ज डोमिनेंट डोमिनंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे बी पार्ट क्या है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द एफ टू जनरेशन ऑफ प्लांट्स तो जो ये एफ टू जनरेशन ऑफ प्लांट्स है इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी तो ये एफ वन जनरेशन ने जो है एफ टू जनरेशन वाली उसको एफ टू जनरेशन को राइज किया है तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी तो इसमें जो है इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन द एफ टू जनरेशन थ्री ऑफ स्प्रिंग शोर्ट डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज स्मूथ सीड्स इन दिस केस and one offspring showed recessive characteristics that is wrinkled seeds in this case out of the total four offspring produced by the cross of f1 generation to f2 generation mein kya observe kiya gaya ki jo teen offspring thi unhone to dominant characteristic dikhai that is of smooth seeds और एक offspring ने दिखाई recessive characteristics that is of wrinkled seeds जो total चार offspring थे उनमें से तीन ने dominant कैरेक्टरिस्टिक दिखाई और एक ने wrinkled रिंकल uh, सीड वाली यानी कि कैरेक्टरिस्टिक दिखाई जब उनको क्रॉस किया गया एफ वन जनरेशन के साथ सी पार्ट क्या है व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ एफ टू ऑफ स्प्रिंग एफ टू ऑफ स्प्रिंग की जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी एक्सप्लेन तो द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ एफ टू ऑफ स्प्री टू टू इज टू वन एफ टू ऑफ स्प्रिंग की जो जीरो वन इज टू टू इज टू वन अब जो ये सी पार्ट है इसी का जो और वाला पार्ट है वो क्या है वाई डिड मेंडल सेलेक्ट अ पी प्लांट फॉर इज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मेंडल सेलेक्टेड अ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज इट हैज़ अ हायर लाइफ स्पैन एंड इट हैज़ मोर वेरिएशंस तो मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया था पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्योंकि एक तो पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा होता है और दूसरा पी प्लांट ज्यादा वेरिएशंस शो करता है अब थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास द पावर ऑफ द लेंस डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज द नंबर ऑफ रेज इंसीडेंट ऑन इट जो पावर ऑफ लेंस होती है वो उसकी फोकल लेंथ ऑफ लेंस पे डिपेंड करती है और ये क्या होती है पावर ऑफ लेंस ये एबिलिटी होती है लेंस की कि वो कितना डाइवर्ज या कितना कन्वर्ज करता है जो भी रेज उसके ऊपर आएंगी इंसिडेंट होंगी उनको वो कितना डाइवर्ज या कितना कन्वर्ज करता है वो पावर ऑफ लेंस होती है ऑल्सो द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इसके साथ साथ जो पावर ऑफ लेंस होती है उसको डिफाइन करते हैं रेसीप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस से तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस अगर जो फोकल लेंथ है लेंस की उसको मीटर्स में मेजर किया जाता है तो पावर की जो यूनिट है पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट है वो क्या होगी तो ए पार्ट कैसे लिखेंगे हम इफ द लेंस इज डी तो अगर फोकल लेंथ जो है लेंस की वो मीटर्स में मेजर की जाती है तो जो पावर ऑफ द लेंस की यूनिट है वो डायोप्टर यानी कि डी हो जाएगी बी पार्ट क्या है हमारे पास वॉट इज द साइन ऑफ द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स और पावर ऑफ कॉन्केव लेंस है इनके साइन क्या होते हैं तो बी पार्ट क्या हो जाएगा द साइन ऑफ द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द साइन ऑफ द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव तो जो कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा और जो कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है उसका साइन हमेशा कैसा होगा नेगेटिव होगा सी पार्ट क्या है इफ़ द लेंस इज़ प्लेसड इन कॉन्टैक्ट विद पावर्स पी वन पी टू पी थ्री एंड पी फोर आर यूज देन वॉट इज़ द नेट पावर ऑफ द लेंस सिस्टम अगर लेंस जो है जिनकी पावर क्या है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर ये सारे कॉन्टैक्ट में हैं तो इनकी जो नेट पावर होगी पूरे लेंस सिस्टम की वो क्या हो जाएगी तो इसका आंसर क्या होगा इफ द लेंसेज प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद पावर्स पी वन पी टू पी थ्री पी फोर आर यूज एंड द नेट पावर ऑफ द लेंस सिस्टम इज़ P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर तो अगर जो ये लेंसेज हैं ये पावर पी वन पी टू पी थ्री पी फोर के कॉन्टैक्ट वाले लेंसेज हैं तो इनकी जो नेट पावर होगी ये सिंपली क्या हो जाएगी ये सारी पावर्स को हम ऐड कर देंगे तो वो उनकी नेट पावर हो जाएगी तो P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर और इसका जो और पार्ट है सी वाले पार्ट का और पार्ट ये क्या है इफ़ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ मिरर्स देन व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्मड देयर अगर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है मिरर्स uh, के केस में अगर वो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं तो उस केस में यानी कि नेगेटिव केस में कैसा होगा इमेजेस का नेचर और पॉजिटिव केस में कैसा होगा नेचर तो इसका जो आंसर हो जाएगा इफ़ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज नेगेटिव इन केस ऑफ मिरर्स देन द इमेज फॉर्मड विल बी इन्वर्टेड सो द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल अगर जो मैग्निफिकेशन है मिरर्स के केस में वो नेगेटिव है तो उस केस में जो इमेज है वो इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनेगी और क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है तो नेचर इमेज का कैसा हो जाएगा रियल इमेज होगी वो और इफ़ द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस पॉजिटिव इन केस ऑफ मिरर्स, दैन द इमेज फ़ॉर्म्ड विल बी इरेक्ट सो द नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल और अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है मिरर्स के केस में तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज फॉर्म होगी और इस वजह से इरेक्ट इमेज की वजह से जो इमेज होगा उसका नेचर वो होगी वर्चुअल तो इसी के साथ सेक्शन ई e, पूरा होने के साथ साथ ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये कंप्लीट होता है तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स